हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? पार्ट वन वीडियो में हमने पढ़ा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट एंड ज्योमेट्रिक मीन, और मैंने बताया था कि आपको पार्ट टू में मैं एक एक्टिविटी कराऊंगा जो 3 मार्क्स का है और 2 स्टार मार्क क्वेश्चन। ये क्या है? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। सो हम आज के वीडियो में ये 3 चीज़ पढ़ेंगे, एक एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी जल्द आने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon, never miss an update. So activity पे आते हैं हम लोग। practice set 1.2 question number 5th one। ये डायग्राम दिया रहेगा और एक क्वेश्चन है, और हमें क्या करना है, ये एक्टिविटी जो भी बॉक्स है उसके अंदर फिल करना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सो फर्स्ट हम डायग्राम पे जाते हैं, डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम ये इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। देखो, अभी ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज हेयर इज अ 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज व्हाट? एंगल बी इज 90 डिग्री। अब देखो, ए बी और बी सी बोथ आर सेम, ए बी और बी सी दोनों सेम है, क्योंकि ये दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट फिलअप कंप्लीट हो गया। ए बी इक्वल टू बी सी इज व्हाट? गिवन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? गिवन, हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं दूसरा वाला। अब देखो, ये क्या है? एंगल बी ए सी है, एंगल बी ए सी। अब ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है? सेम है। सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट बी सी बोथ आर सिमिलर बाय गिवन। सो एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये भी 45 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 45 डिग्री आ जाएगा। अंडरस्टूड? अब तीसरे पे चलते हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू व्हाट? तो ये ए बी क्या है? सेगमेंट है। बी सी भी क्या है? सेगमेंट है। अब हमें मालूम है कि अपोजिट ऑफ 45 डिग्री, अपोजिट ऑफ 45 डिग्री क्या होता है? अपोजिट ऑफ 45 इज 1/√2 × hypotenuse। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1/√2 × hypotenuse क्या है? ए सी है। अब अगले स्टेप में ए सी का वैल्यू दिया हुआ है √8। हमें यहाँ पे क्या लिखना है? एज इट इज वही लिख देंगे, 1/√2। ओके, अब देखो, ये रूट टू को सिंप्लीफाई करके 2√2 लिखा है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। 8 है, इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, अगेन 2 से करूंगा तो 2 आएगा, एंड अगेन 2 से 1 आ गया। तो मैं ये √8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 2। अब यहाँ पे 2 सेम मिलके एक बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 2, और अंदर क्या बच गया? सिर्फ 2 बच गया। सो √8 की जगह हमने क्या लिखा? 2√2, वही यहाँ पर लिखा हुआ है 2√2। और ये वाला वैल्यू क्या रहेगा? अगेन ये भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम। अब क्या कर सकते हैं हम? ये देखो, यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे × 2√2 है, तो √2 √2 कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा? सिर्फ 2 बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझा कितना सिंपल था? रिपीट करता हूँ एक बार और। ए बी इक्वल टू बी सी, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे? गिवन। देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2 × hypotenuse। अब यहाँ पे अगर रीजन लिखना रहता तो क्या लिखते? अपोजिट ऑफ 45 डिग्री इज वॉट? 1/√2 × hypotenuse। ओके, अब हाइपोटेनियस का वैल्यू दिया हुआ है √8, और ये वैल्यू हमें मालूम ही है, तो 1/√2 × √8। √8 को हमने सिंप्लीफाई करके 2√2 बना दिया, और ये हमारा 1/√2 एज इट इज था, √2 √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? सिर्फ 2। तो ये था छोटा सा
क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है थ्री मार्क्स के लिए। देखने में इजी है, करने में भी इजी है, लेकिन मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं हमें, तो इजी है समझ के इसको छोड़ नहीं देने का, इसको प्रैक्टिस करके 3 मार्क्स तो पक्का कर ही लो। अब आते हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ये 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है या 4 मार्क्स के लिए, ये भी 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है या 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। प्रूफ करना है हमें, ये ट्रायंगल दिया है पी आर क्यू एन, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट आर क्यू, ये भी दिया हुआ है, एंगल आर इज 90 डिग्री, एंड वी हैव टू प्रूफ पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम PM² माइनस 3 टाइम PR². अब देखो ये देखने में थोड़ा हार्ड दिख रहा है, बट कुछ हार्ड नहीं है, एक बार सम सॉल्व करना शुरू करेंगे बहुत ईजी हो जाएगा। हमें बस एक ही चीज़ यूज़ करना है, पाइथागोरस थ्योरम, और कुछ नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, स्टार मार्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी मार्क कर लो। नाउ ट्रायंगल दिया हुआ हमें, ट्रायंगल पी आर क्यू, बिगर ट्रायंगल पी आर क्यू, और एम क्या है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट आर क्यू, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डैट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम PM² माइनस 3 टाइम PR² पी क्यू कहाँ पे, यहाँ पे है पी क्यू, पी एम यहाँ पे है, एन पी आर यहाँ पे है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम PM² माइनस 3 टाइम PR². अब ये देखने में तो थोड़ा ख़तरनाक दिख रहा है, लेकिन ये सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। बस हमें यूज़ क्या करना है, हमें यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम, इसी को हम यूज़ करके ये सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे, प्रूफ कर देंगे कि हम पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम PM² माइनस 3 टाइम PR² होगा ही होगा। सो देखो कैसे करना है हमें। अब मैं क्या करता हूँ, ये बड़ा ट्रायंगल ले लेता हूँ पी आर क्यू, तो पी आर क्यू ये 90 डिग्री है, और इसके सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये साइड वन और ये टोटल साइड टू, साइड टू क्या हो जाएगा आर क्यू, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वही जो बोल रहा हूँ मैं वही लिख देते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं यूज करूँगा बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके, ये थ्योरम यूज करूँगा, पी आर क्यू है हमारे पास, तो क्या मिल जाएगा हमें, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, ओके। अब हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस इज पी क्यू, साइड वन इज पी आर, एंड साइड टू इज आर क्यू, एग्जैक्ट वही लिख देते हम, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं हाईलाइट करके इक्वेशन 1 लिख के छोड़ देता हूँ। अब हम फिर से डायग्राम को देखेंगे। अब देखो ये है M, तो पॉइंट M क्या है, पॉइंट M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट आर क्यू, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट आर क्यू, ये भी क्या है, गिवन है, तो मैं यहाँ पे गिवन लिख दूंगा, ओके। अब देखो ये M क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब RM और MQ दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, RM एंड MQ बोथ आर सेम, तो RQ इक्वल क्या लिख सकते हैं हम, RQ इक्वल टू 2 टाइम RM, ओके, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे RQ इज इक्वल टू 2 टाइम RM, इसको भी हाईलाइट करके इक्वेशन 2 लिख के छोड़ देता हूँ मैं, ओके, अंडरस्टूड। इक्वेशन 1 कहाँ से आया, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, और इक्वेशन 2 कहाँ से आया, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट आर क्यू का यूज़ करके हम इक्वेशन 2 लेके आ गए। अब देखो आर क्यू यहाँ पे है, आर क्यू इक्वल टू 2 टाइम RM, और इक्वेशन 1 में भी आर क्यू है, तो ये वाले आर क्यू के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2 टाइम RM, तो मैं वो लिख देता हूँ मैं, तो मैं क्या लिखूँगा, पुट आर क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम RM इन इक्वेशन 1। स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो एग्जामिनर को भी क्या होगा, इजी होगा चेक करने में, और आपको भी फुल मार्क्स मिलेंगे।
सो यहाँ पे लिखते हैं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू के जगह पे टू टाइम आर एम स्क्वायर। अब देखो टू टाइम आर एम का होल स्क्वायर मैंने लिखा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ब्रैकेट बना के टू को बाहर कर देंगे तो पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि टू टाइम आर एम है तो टू का भी स्क्वायर होगा और आर एम का भी स्क्वायर होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस फोर टाइम आर एम स्क्वायर। ओके अब ये हो गया, अब मैं इसको लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है ये समझ गया, इक्वेशन वन कहाँ से आया, इक्वेशन टू कहाँ से आया और इक्वेशन थ्री कहाँ से आया। अब हम फिर से डायग्राम को देखेंगे। अब हमने इक्वेशन वन में क्या किया था, ये बिगर ट्रायंगल को लिया था तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था। अब हम क्या करेंगे, ये छोटे वाले ट्रायंगल को लेंगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल पी आर एम को लेंगे, पी आर एम को लेंगे, ये 90 डिग्री है तो ये आर पी एम क्या हो जाएगा, पी एम इज हाइपोटेनियस, ये साइड वन और आर एम इज साइड टू। तो मैं वहाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इन ट्रायंगल पी आर एम एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, पी एम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। ओके और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके रीजन हो गया। अब देखो आर एम को हम यहाँ पे छोड़ के ये दोनों को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते, तो ये हो जाएगा पी एम होल स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस था यहाँ पे आके माइनस, और इसको हम एज इट इज लिख देंगे आर एम स्क्वायर। ठीक है पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम स्क्वायर, ये समझ गया। अब मैं इसको क्या लिख दूंगा, इक्वेशन नंबर फोर, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हमेशा अपने जो आंसर मिल रहे जिसका यूज़ करने वाले हैं उसको हम हाईलाइट करके और इक्वेशन लिख के रखेंगे। उसके बाद से देखो अब हमें आर एम कितना मिल गया, आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर थ्री में आर एम का वैल्यू दिया हुआ है, आर एम इज़ वॉट, सो आर एम हमने फाइंड कर लिया। अब मैं इसके जगह पे ये वैल्यू डाल दूंगा, सेम ऐसे लिख देते हम पुट आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर थ्री। ओके अब इक्वेशन नंबर थ्री मैं लिखता हूँ पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस फोर वैसे ही रहेगा और आर एम के जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू, ये हो गया हमारा पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके सो हमें क्या मिल गया, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस फोर टाइम पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखो ये फोर बाहर था हमारा और आर एम का वैल्यू हमने ये डाला, मतलब ये फोर दोनों के लिए ना कि सिर्फ पी एम के लिए, तो यहाँ पे मिस्टेक मत करना, सिर्फ पी एम के लिए फोर लिख देना और पी आर के लिए स्क्वायर कर देना, वो गलत हो जाएगा। फोर क्या है, दोनों के लिए कॉमन है तो हम ब्रैकेट बना लेंगे बड़ा वाला और उसके बाद से वैल्यूज लिख देंगे। अब मैं ये वैल्यू फिर लिखता हूँ पी आर स्क्वायर प्लस, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, फोर टाइम पी एम स्क्वायर माइनस फोर टाइम पी आर स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर वैसे ही है। अब देखो कोई वैल्यू सेम दिख रहा है क्या, ये और ये सेम दिख रहा है, ये वन टाइम है और ये थ्री माइनस फोर टाइम है, तो माइनस फोर प्लस वन इज़ व्हाट, माइनस थ्री, और ये क्या है पी एम वैसे ही है, तो मैं इसको फोर टाइम पी एम स्क्वायर माइनस थ्री टाइम पी आर स्क्वायर लिख देता हूँ और ये पी क्यू वैसे ही है पी क्यू स्क्वायर। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू फोर टाइम पी पी एम स्क्वायर माइनस थ्री टाइम पी आर स्क्वायर, और हमें यही प्रूफ करना था, सो हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ, क्या लिख देंगे हम, हेंस प्रूफ, और हमारा सॉल्यूशन पक्का हो गया। अभी देखो ये क्वेश्चन हमें यही प्रूफ करना था, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टाइम पी एम स्क्वायर माइनस थ्री टाइम पी आर
स्क्वायर। और हमारा ये आंसर आ गया, तो हमारा ये प्रूफ डन हो गया। एक टाइम और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, हमने प्रूफ कर दिया पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 PM² - 3 PR². बस करना क्या था, हमें दो बार पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना था, पहले बार बिगर ट्रायंगल के साथ एंड दूसरे बार सेकेंड स्मॉलर ट्रायंगल के साथ। और M इज़ द मिड पॉइंट है, तो RM एंड MQ दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम RQ इक्वल क्या लिख सकते हैं, 2 RM। ओके, अब आते हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम पे, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, ये क्वेश्चन देख के घबरा नहीं जाने का कि क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है इसमें भी, हम बस क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है और कुछ नहीं यूज़ करना है। तो एक चीज़ बस याद रखना कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। ओके, अब मैं एक एक स्टेटमेंट रीड करता हूँ, आप लोग ध्यान दो, क्योंकि स्टेटमेंट अगर समझ में आ गया तो बहुत ही ईजी हो जाएगा ये प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन नंबर 10, वॉल ऑफ टू बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर, अ लैडर 5.8 meter लॉन्ग इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट स्टॉप जस्ट रीच द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 meter। ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट स्टॉप टचेज द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4.2 meter एंड फाइंड द विथ ऑफ द स्ट्रीट। कुछ समझा नहीं, एक बार और रीड करते और साथ में हम डायग्राम बनाते। अब मैं फिर से रीड करता हूँ और साथ में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायग्राम भी बनाऊँगा। सो क्वेश्चन रीड करते, वॉल ऑफ द टू बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मैं सबसे पहले एक स्ट्रीट बना लेता हूँ और टू बिल्डिंग बनाता हूँ, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे ये हो गया हमारा स्ट्रीट। अब मैं टू बिल्डिंग बनाऊँगा, बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, और दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ ए, और ये हो गया आर, ये हो गया बी, और ये हो गया डी। ठीक है, कोई भी नाम लिख सकते हैं, ये नहीं कि मैं ए बी लिख रहा हूँ तो आप भी ए बी लो, पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। बस हमें मालूम होना चाहिए कि स्ट्रेट क्या है, दो पैरेलल बिल्डिंग बनाने हैं। अब उसके बाद से एक एक स्टेटमेंट हो गया हमारा, अब आते हैं दूसरे पे। अ लैडर 5.8 meter लॉन्ग इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट, ये रोड पे एक लैडर लगा हुआ है, वो कितना मीटर लॉन्ग है, 5.8 meter है। स्ट्रीट सच दैट टॉप रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4 meter। अब एक एक लैडर है, वो स्ट्रीट पे ऐसे लगा कि बिल्डिंग के टॉप पे वो रीच कर जाएगा। तो मैं अगर सपोज यहाँ पे से लैडर बना देता हूँ यहाँ पे, और देखो पहला बिल्डिंग है 4 meter और उसके सामने वाला है 4.2 meter, ये उनके हाइट है, बिल्डिंग के हाइट है 4 meter और 4.2 meter। तो मैं एक को 4.2 बना देता हूँ, तो मैं इसको अगर 4.2 बना देता हूँ यहाँ पे, और ये हो गया 4, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4.2 meter और ये 4 meter। अब लैडर हमें बीच में रखना पड़ेगा तो ही हम रीच कर पाएंगे, तो मैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लैडर बना देता हूँ। अब देखो, अगर कोई भी चीज़ किसी के ऊपर आके गिरता है, मतलब ऐसे गिर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अपने वॉल, अपने घर के जो वॉल है उसके कोने में देखो, ऐसे आपका रहेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। या ऐसे देख रहे हो आप, लाइन पे देख रहे हो, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सीलिंग वाले पे देखना, कोने में जो तीन ऐसे दिखे रहते हैं, वहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना समझ गया, डायग्राम समझ गया कैसे करना है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो, 4.2 meter पहला बिल्डिंग है, 4 meter दूसरा बिल्डिंग है, और लैडर क्या है, लैडर सेम है, कितना, 5.8 meter
5.8 मीटर, यही लैडर है, बस यहाँ से ऐसे ऐसे फ्लिप कर रहे, पहले वन पे गया था फिर टू पे उसको फ्लिप कर दे ऐसे। अब सॉल्यूशन देखो कैसे इतना इजी हो गया, बस हमें क्या करना है देखो, ये दिया हमें ये कैसे फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये दिया हम ये कैसे फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और हमें फाइंड क्या करना था ओवरऑल हमें फाइंड करना है विथ ऑफ द स्ट्रीट, विथ ऑफ द स्ट्रीट मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें स्ट्रीट फाइंड कर, तो ये मिल गया और ये मिल गया, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा, सिंपल है। हमें क्या करना है बस एक बार और दो बार हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, करके देख लेते हैं। बट अभी हमने कैसे डायग्राम बनाया ये उसको हम यहाँ पे लिख देंगे दो तीन लाइन में, जैसे जैसे आपने नाम दिया है, अभी यहाँ पे पी क्यू लिखा है तो आप लिखो पी क्यू, यहाँ पे आर एस लिखा है तो लिखो आर एस, लेकिन मैं जो लिखूँगा जो मैंने पॉइंट दिया उसके हिसाब से मैं लिखूँगा, आप जो पॉइंट दोगे उसके हिसाब से आप लिखना, ओके। मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है, सो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के क्या लिखेंगे हम, लेट आर डी, आर और डी रिप्रेजेंट द विथ ऑफ द स्ट्रीट, समझ गया, लेट आर डी रिप्रेजेंट द विथ ऑफ द स्ट्रीट, उसके बाद से बी डी, बी डी रिप्रेजेंट द फर्स्ट बिल्डिंग, बी डी मेरा है यहाँ पे, बी डी रिप्रेजेंट द फर्स्ट बिल्डिंग, एन क्या हो गया ए आर, ए आर रिप्रेजेंट द सेकेंड बिल्डिंग, समझ गया ये। अब देखो ए यहाँ पे भी कोई नाम दे देते, ए और सी दे देता हूँ मैं, तो ए सी एन बी बी सी, ए सी एन बी सी क्या है, ये लैडर है, दोनों सेम है, ए सी एन बी डी दोनों क्या है, एक ही लैडर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए सी एन बी सी, सॉरी दिख नहीं रहा, ए सी एन बी सी आर टू डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट लैडर नहीं है, एक ही लैडर है बट डिफरेंट पोजीशन पे जा रहे हैं, सो डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम लैडर, ओके यहाँ पे ध्यान देना, सेम लैडर फ्रॉम विच पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट सी, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो कौन कौन से ट्रायंगल में यूज़ करना है वो हम नाम लिख देंगे, तो हम पहले ये ट्रायंगल को फाइंड करते हैं, आप ये भी कर सकते हो नो प्रॉब्लम, सो मैं पहले फाइंड करता हूँ ए आर और सी में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा मैं, इन ट्रायंगल ए आर सी, एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, हाइपोटेन्यूस है ये, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ओके छोटा सा लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये है हमारा 5.8 स्क्वायर इक्वल टू 4.2 स्क्वायर, और हमें ये आर सी फाइंड करना है, उसको ऐसे लिखते हैं। अब 5.8 और 4.2 का स्क्वायर क्या होता है, अब देखो यहाँ पे अलग अलग बुक में अलग अलग सॉल्यूशन है, बट हम अलग सॉल्यूशन यूज़ नहीं करें, हम बस इसका एज इट इज़ स्क्वायर कर देंगे, कैसे स्क्वायर होता है वो हमें मालूम है, सो 5.8 का स्क्वायर कर देंगे एंड 4.2 का स्क्वायर कर देंगे, वो कैसे करते हैं मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक में सिखाता हूँ। सो ट्रिक है देखो, 58 है, अगर मैंने पॉइंट को हटा दिया तो क्या मिल जाएगा, मैं 58 को दो बार लिख देता हूँ। अब हमें सिंगल डिजिट का स्क्वायर आता है, 8 स्क्वायर इज 64, 5 स्क्वायर इज 25, ये दोनों नंबर को प्लस मल्टीप्लाई करते, तो 8 5 is 40, 40 × 2 बिकॉज 2 डिजिट है, तो 40 × 2 कितना होते हैं 80, मैं 80 यहाँ पे लिख दूंगा, ये कितना मिल जाएगा हमें 4 6 3 ये 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
3364। अब पॉइंट क्या था, यहाँ पे था और यहाँ पे था, तो दो डिजिट के बाद पॉइंट, तो 33.64 मिल जाएगा हमें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 33.64, और सेम इसका भी निकाल लेंगे 42 का, तो 4 2 4 2 2 2 4, और ये हो जाएगा 16, 4 2 8 8 2 16, तो ये हो गया 4671, और पॉइंट आ जाएगा हमारा 17.64 प्लस RC स्क्वायर, करेक्ट है। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं यहाँ पे, 33.64 माइनस 17.64 प्लस इक्वल टू RC स्क्वायर, ओके, ये यहाँ पे ही है। अब ये दोनों को माइनस करने में कितना आते हैं, 33.64 से 17.64 करेंगे तो 16.00 इक्वल टू RC स्क्वायर, सो देयरफॉर RC इक्वल टू व्हाट, RC स्क्वायर इज 16, तो RC कितना आ जाएगा 4, हमें मिल गया RC इक्वल टू 4 मीटर। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, RC इक्वल टू 4 मीटर, ये हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, CD, सिमिलर सेम ऐसे यूज करके जैसे हमने ये फाइंड किया वैसे हम ये फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं इसको ही फाइंड कर देता हूँ और देखते हैं कि हमारा विथ RD कितना आता है। तो मैं यहाँ पे अब क्या लिखूँगा, इन ट्रायंगल BDC, पहले मैंने लिया था ARC, अब BDC लूँगा, कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ओके। BC कितना दिया है, इस 5.8 स्क्वायर, ये कितना है 4 स्क्वायर, DC नहीं मालूम है, उस DC को वैसे लिखते हैं। अब हमने 5.8 फाइंड किया था इस 33.64, 4 का तो इजीली निकल जाएगा 16, प्लस DC स्क्वायर वैसे ही रहेगा, अब 33.64 वैसे रहेगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आके माइनस 16 इज इक्वल टू DC स्क्वायर, करेक्ट, ये स्क्वायर है। अब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, करके देख लेते हैं यहाँ पे, नहीं समझ रहा है तो 16.00 माइनस करते कितना हो गया, ये 4, ये 6, ये पॉइंट, ये 3 में से 6 नहीं जाते तो 13 यहाँ पे बोरो कर लेगा, ये 2 और ये 13, तो ये हो गया हमारा 7 और 1, तो मिल गया हमें 17.64 इज इक्वल टू DC स्क्वायर। अब देखो 17.64, ये देखो 17.64 हमारा क्या था, किसका स्क्वायर था, 4.2 का, तो हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे, 4.2 इज इक्वल टू DC, तो देयरफॉर DC इज इक्वल टू 4.2 मीटर, इसको भी हाईलाइट कर देते। अब हमें दोनों चीज़ मिल गया, हमें फाइंड करना है स्ट्रेट, सो स्ट्रेट इज व्हाट, RD, RD इक्वल टू क्या हो जाएगा, RC प्लस CD, RC कितना था हमारा 4, CD मिल गया हमें 4.2, CD और DC दोनों सेम है, ये कितना हो जाएगा टोटल इज 8.2 मीटर, ये हो गया हमारा RD, ये हम इसको हाईलाइट कर दिया, और फाइनल आंसर क्या लिखना है, आंसर देयरफॉर विथ ऑफ द स्ट्रेट इज 8.2 मीटर, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। फाइनल आंसर लिखना मत भूलना, ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, एक्टिविटी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, स्टार मार्क के क्वेश्चन से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक्टिविटी तो आएगा ही आएगा, तो उसको करके ही चलना। थैंक यू फ्रेंड्स।